और आज MIM का लोग समझ चुके हैं, आज MIM से भी वंचित अलग है, तो इसलिए लोग अब लोगों का विश्वास जो है कांग्रेस के ऊपर है, इसलिए लोग अब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। और आने वाले अब इस बार आपके लोकसभा के इलेक्शन में आप देखेंगे लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 28-30 साल से कांग्रेस पार्टी को अपना वक्त देते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं औरंगाबाद हो या महाराष्ट्र में हो, ये सूझबूझ वाले नेता जाने जाते हैं। बड़े अच्छा इनका मिजाज जाना जाता है। उसके अलावा इनके जो काम है इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 28 सालों में कई पदों से इनको जो है नवाजा है। कांग्रेस पार्टी ने इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसी के चलते अब पिछले एक साल से, आज पूरा एक साल हो चुका है, यूसुफ भाई को जो है हमारे साथ यूसुफ लीडर मौजूद है, इनको कांग्रेस पार्टी ने औरंगाबाद शहर अध्यक्ष बनाया है। एक साल का जो इनका कार्यकाल रहा, उसके अलावा बीच में जो कई इंसादे हमने देखा है कि पार्टियों में उलटफेर हुए, शिवसेना दो हो गई, राष्ट्रवादी दो हो गई, उसके अलावा जो अफवाहें चलती है उसके ऊपर हम यूसुफ लीडर से बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सर, वेलकम आपका एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मेरा सवाल है, आज आपको एक साल हो गया, मुबारक हो आपको कांग्रेस पार्टी में शहर अध्यक्ष आपको बनाया, आज पूरा एक साल हो गया। पहले सबसे पहले तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या आपके एक साल के अंदर क्या कार्यकाल रहा आपका, थोड़ा बताइए जनता को। मैं सबसे पहले हमारे प्रांत अध्यक्ष नानाभाव पटोले का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे, आज एक साल कम्प्लीट हुआ है, उन्होंने मुझे औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और हमने ये एक साल में लोगों के मसाइल लेके काफ़ी हमने रस्ते पे इस बार कांग्रेस ने काम किया है। जैसा डंपिंग ग्राउंड का मसला है रमानगर का, जैसा रोड के मसले है, पानी का मसला है, महानगर पालिका, ये हमने जो महानगर पालिका के जो स्कूल्स है उसको सुधारने के लिए हमने डेलीगेशन दिया है, उसके पढ़ाई के लिए हमने अच्छी पढ़ाई हो ऐसा उनको हमने निवेदन दिया है। यहाँ पर रोड्स के लिए, पानी के लिए और यहाँ महंगाई के लिए हमने आंदोलन किया है। यहाँ पे भेड़े गुरुजी ने जो इस देश का अपमान किया, यहाँ पे स्वतंत्र सैनिकों का अपमान किया, उनके खिलाफ हमने यहाँ पर आंदोलन किया है। और काफ़ी ऐसे मसले हमने एक साल में, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इस हर भाजपा की जो नफरत की राजनीति है वो, उसके खिलाफ हमने कांग्रेस औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर रस्ते पे उतर के हमने सबने काम किया है। पूरा साल आपका आज खत्म हो चुका है, अब आगे आपके दिमाग में क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता को फायदा पहुंचाने वाली है? उसके अलावा हमने देखा सुबह आपके कार्यकाल में कई लीडर्स जो है कांग्रेस में आए भी और कई लीडर्स छोड़कर भी गए, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? जैसे कि जो बहुत सारे लीडर्स जो अभी मैंने देखा हाल ही में औरंगाबाद नामांतरण को देखकर, पिछले जो शहर अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, कई दिगर लोगों ने पार्टी छोड़कर चले गई, तो आपको कैसा लगता है ये मुद्दा, किस तरीके से देखा जाता है आपके? नहीं, जिन लोगों ने भी यहाँ पर रिजाइन किया था अब आज वो सब लोग हमारे साथ है, क्योंकि वो सब लोगों को पता है कि आने वाला 2024 इस देश के लिए, इस लोकशाही के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए हम सबको मिलकर आने वाले 2024 का मद्देनजर रखते हुए हमको 2024 में भाजपा को इस देश से हकालना है, इस देश से नीचे उतारना है, इस सत्ता से हमको नीचे उतारना है। इसलिए हमारे जितने भी लोग गए थे, कहीं इधर थे, बाजू थे, आज सब एक साथ होके कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरे लोग हमारे आज शहर में, पूरे लोग हमारे फ्रंटल के, सेल के, डिपार्टमेंट के, प्रदेश के नेता, पूरे लोग मिलके इस शहर में कांग्रेस का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का। सर, जो एक साल का आपका कार्यकाल रहा उसके बारे में क्या आपके पास में क्या जखीरा कुछ है, जिस तरीके से आपने काम किया पूरा साल भर, काम तो आप जैसे जिस तरीके गिना रहे हो आप काम, लेकिन उसके अलावा आप कितना आपने काम किया इसका, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, 100 बकरा एक लिखा, इसलिए मेरा जो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा एक साल का रिकॉर्ड मैंने ये हमारा ये बनाया है पूरा। अच्छा। नाना पटोले साहब को भी सबमिट किया है। ओके, ये एक साल के अंदर आप लोगों, आपने इतना काम किया है? काम किया है। अच्छा, यूसुफ भाई, मुझे पता चला कि आप पढ़े लिखे भी है, ग्रेजुएट नेता होने के बावजूद आपको ज्यादा आपके पर फोकस जो किया नाना पटोले ने आपकी पढ़ाई को देखकर किया, मुझे ऐसा पता चला। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी यूसुफ भाई? मैं MA वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, मेरा क्वालिफिकेशन 10th से सैन फ्रांसिस से मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और मेरा पूरा तालीम बाद में MA किया हूँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, तो आपको मैंने सुना कि नाना पटोले साहब को आपकी पढ़ाई के देखकर आपको ज्यादा पसंद किया उन्होंने, कि भाई आप एक पढ़े लिखे नेता है, लोगों को लेकर चलने का एक आपके अंदर एक जज्बा होगा। हम, मैं विद्यार्थी संगठन से, मैं
एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, आज 28-30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ। हो सकता है नाना बहू को लगा होगा तो दिए होंगे, अध्यक्ष बनाए होंगे। अच्छा यूसुफ भाई, जिस तरीके से अभी मैंने देखा कि महागठबंधन में आप लोग हैं, आपके साथ में अभी देखिए आप राष्ट्रवादी दो हो चुकी है, पहले सिर्फ शिवसेना दो होती थी, कहा जाता था कि गट हो गया, फिर राष्ट्रवादी जो मजबूत पार्टी माना जाती थी महाराष्ट्र की, वो उसके दो टुकड़े हो गए। लेकिन अफवाह ये भी गरम है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से शिंदे गट हो गया है, ठाकरे गट है, राष्ट्रवादी का जैसे पवार साहब का एक गट है, अजीत दादा पवार का एक गट है, सुनने में ये आ रहा है कि आपके पास भी दो गट होने के कहीं ना कहीं चांसेस नजर आ रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं अफवाह चल पड़ी। ये सिर्फ अफवाह है, ये आप जैसे मीडिया के लोग इसको एक अपना बाजार बना देते हैं, टीआरपी के लिए आप इस तरह के न्यूज चलाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई गठबाजी नहीं है और कांग्रेस में कोई गठ होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा इतनी मजबूत है, हमारे कांग्रेस का कोई भी नेता इस विचारधारा को छोड़ के दूसरी तरफ जा नहीं सकता। आपके पास भी इतना सक्षम है आप लोग, आपको लगता है कि हमारे पार्टी को फूट कभी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, हम सक्षम है। आज बताइए ना, आज पूरे देश में आज 8-9 साल से लोग इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर जा रहे, हमारे 8-9 साल में कोई भी ईडी में हमारा कांग्रेस का नेता अंदर नहीं है। अभी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट। अच्छा, जनता आज कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रही है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, जैसे महागठबंधन में औरंगाबाद की जब बात हम लेते हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जगह छूटेगी खासदार की यहाँ से? आप मांगेंगे क्या जगह, मांगेंगे आप लोग? हम स्ट्रांगली औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम स्ट्रांगली डिमांड कर रहे हैं कि औरंगाबाद की जगह कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी में छूटे और हम एक जगह जीत के हम लाने की पूरी की पूरी। कैसे आंकड़ा आपके पास, क्या गणित है आपके पास में, क्या आंकड़े हैं आपके पास जीत के आने के? देखिए, पिछले बार जिस तरीके का इलेक्शन हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम का सिनेरियो, हर टाइम के मुद्दे, हर टाइम के इश्यूज अलग अलग होते हैं। इस बार पिछले टाइम जो हुआ ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार हो। अब इस बार जो इलेक्शन होने, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था, देखिए शिवसेना MIM टोटल 11.5-12 लाख वोटिंग हुआ था, जिसमें शिवसेना 385 कुछ था, yes. और MIM 388-389 था, कांग्रेस 95,000 थे और 2,75,80,000 कुछ इनको भाषण। तो आप देखिए, जब शिवसेना एक थी, उनके साथ भाजपा थी, शिवसेना एक थी, तो जब वो 385 पर थे, आज तो शिवसेना में स्प्लिट है, उनसे भाजपा अलग है। और आज MIM का लोग समझ चुके हैं, आज MIM से भी वंचित अलग है, तो इसलिए लोग अब, लोगों का विश्वास जो है कांग्रेस के ऊपर है, इसलिए लोग अब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। और आने वाले अब इस बार आपके लोकसभा के इलेक्शन में आप देखेंगे लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, इसलिए हमारे जो श्रेष्ठी है, हमारे जो नेतागण है, हमने उनके तरफ डिमांड कर दी है कि औरंगाबाद लोकसभा की जगह कांग्रेस को ही छोड़ा जाए। अच्छा, अगर वो लोग नहीं मानते हैं, अगर शिवसेना ये बात नहीं मानते, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से आप उनके खासदार, आप देख रहे हैं चंद्रकांत खैरे साहब के रूप में यहाँ पर खासदार हम लोग देख रहे हैं, तो अगर वो लोग नहीं मानते तो उस सूरत में क्या आप लोग क्या करेंगे, फिर गठबंधन में ही रहेंगे या गठबंधन छोड़ के फिर आप अलग से लड़ने की कोशिश करेंगे औरंगाबाद से? देखिए, ये जो निर्णय होगा ये हमारा स्टेट लेवल पे होगा, ऑल AICC पे होगा, जो फिर उनका, हमारा वो काम है औरंगाबाद जगह मांगी जाए, बस जगह मांगी जाए, और औरंगाबाद की यहाँ के आवाम को एक कैसा अपन रख सकते, यहाँ पे भाजपा को किस तरीके हरा सकते, ये हमारा मकसद है। हमको यहाँ पर भाजपा को हराना हमारा मकसद है, हम वो किस तरीके कर सकते, हम वो हमारा जो आवाज है, हमारा जो प्लानिंग है, हमारे नेताओं को बताएंगे, हमारे अध्यक्ष को बताएंगे, फिर वो AICC में बात करेंगे, ऊपर जो निर्णय होगा फिर उसको सब कांग्रेस मान। सर, एक ऐसा सवाल मेरा, जैसे आपने गणित जो बताया, बड़ा अच्छा गणित आपने बताया मुझे इलेक्शन का 2019 में जो हुआ, अब खासदार इंतजार जलील इस वक्त मौजूद है, आप देख रहे हैं वो भी स्ट्रांगली है, आप जैसे करें कि वंचित उनके पास से हट गई है, अब आपको लगता है कि MIM पार्टी इस बार आप लोगों को टफ देगी, क्योंकि MIM पार्टी के खासदार है 25 नगर सेवक है, 26 नगर सेवक थे, अब MIM जिस तरीके से शहर में काम कर रही है, अभी देखा आदर्श बैंक को लेकर खासदार इम्तियाज जलील साहब जो सड़क पर उतरे हैं, मुझे लगता है हिंदू समाज जिस तरीके से उनकी तरफ पलटा है, अदर समाज शायद बहुत ज्यादा उनको पसंद करने लगा है, तो आपको नहीं लगता कि MIM आपको बड़ा एक बड़ा टारगेट रहेगा पहाड़ की तरह आपके सामने? हमको नहीं लगता कि MIM हमारा कोई टारगेट रहेगा, क्योंकि जनता इस बार सब समझ चुकी है, हमारे इस देश की जनता, इस औरंगाबाद शहर की जनता विकास चाहती है,
मोहब्बत चाहती है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है, नफरत नहीं चाहती है। इसलिए जनता समझ गई है कि इस बार किसको हो गया। आज सब जनता अपनी जगह पे खामोश है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन आएगा हम आपको बताएंगे जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। अच्छा सर, आप बीजेपी को हराने की बात करते हैं, आपके साथ आधी राष्ट्रवादी है, आधी शिवसेना है और पूरी कांग्रेस है। अब ये आधी आधी को लेकर आप महाराष्ट्र में अपना पड़ाव जमा पाएंगे? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आप दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन में है, अभी ऐसे टूटी टूटी हुई पार्टी है हर जगह, तो आपको लगता है कि पड़ाव औरंगाबाद में या फिर महाराष्ट्र के लेवल पर आप कहीं अपना पड़ाव जमा पाएंगे? क्योंकि औरंगाबाद में अभी कांग्रेस का मुझे लगता नहीं कि उतना वजूद है जितना होना चाहिए कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने के लिए। देखिए, नेता लोग अलग अलग है, लेकिन जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, आज भी पार्टी के साथ मौजूद है और वही लोग इलेक्शन जिताते हैं और वही लोग इलेक्शन हराते हैं। ओके, तो आपने कैसा वैसे गणित लगाया इमाम के? जैसे आप कह रहे हैं कि लोग 2019 से समझ गए हैं, अब लोग वैसी राजनीति नहीं चाहती है, तो कैसा आपको लगता है कि अब आप समझ जाओ ना, आपको दिख रहा है ना क्या है इस शहर में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। और देखिए, सबसे पहले समझ जाइए कि लोग जो है नफरत नहीं चाहते, लोग शहर में अमन शांति, अगर अमन शांति रहेगी तो शहर का विकास होगा, इस जिले का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार इंडस्ट्रीज आएंगे, उसके जरिए हमारे जिले के लोगों को, शहर के लोगों को काम मिलेगा, उनके हाथ को काम मिलेगा। आज अपने पास नौजवानों को काम नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ के इंडस्ट्रीज वाले इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती नहीं है, या कम्युनल शहर बना दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर औरंगाबाद जो है हमारा एक भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब जो अपने पास है, उस तरीके से हम माहौल यहाँ पर तैयार करना चाहते, उसके जरिए से हमारे लोगों को काम मिलेगा, अच्छे इंडस्ट्रीज आएंगे, ये माध्यम से हम इंडस्ट्रीज के जैसे बात करें। खादर इम्तियाज दिल साहब हर 3 महीने 2 महीने में जॉब फेयर का एक उनका एक बड़ा ऑफर चलता है, लोग वहाँ लाखों लोग वहाँ पर जो है जॉब अभी बढ़ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगता है कि मुसलमानों को जिस कदर उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं किया, वो अगर उस टाइम ही लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस कदर करती मुसलमानों की तो आज शायद ये नौबत औरंगाबाद शहर तक तो नहीं होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप एक शहर अध्यक्ष है, तो आप जैसे सर्वे करते हैं सारे शहर का, सारे शहर का डाटा आपके पास है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि नाराज है मुसलमान कौम हो या उसके अलावा दिगर समाज आपसे कांग्रेस पार्टी से नाराज है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए कांग्रेस ने हर समाज के लोगों को लीडरशिप दिए है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को लीडरशिप दी है, यहाँ पर MM शेख साहब को लीडरशिप दी है, आरिफ नसीम साहब को लीडरशिप दी है, आज वजाद मिर्जा साहब लीडर हो। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो हर समाज को लीडरशिप देती है, हर समाज के लोगों को लीडर बनाती है, और हर समाज के लोगों को चलने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। अच्छा, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें नाराज है या कुछ ऐसा ऐसा नहीं है आपको लगता। अच्छा, आप जैसे बात करें MIM हो, वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और BRS, अभी 3 पार्टियां बड़ी चुनौती रहेगी आपको। अगर आप बीजेपी को हराना ही चाहते हैं तो आप एक काम करिए, MIM के साथ क्यों नहीं जाते या वंचित के साथ क्यों नहीं जाते, या वंचित तो मेरे ख्याल से शिवसेना के साथ गठबंधन है, या उसके अलावा BRS के साथ, इन पार्टियों से बात क्यों नहीं करते आप? देखिए, अगर वो बात करने को आएंगे तो हम ही बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप कहते हैं कि वो हमारे पास आओ। देखिए, इसके 70 साल तो MIM कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे, फिर आज ही अब 8 साल में ऐसा क्या होगा, कांग्रेस से नफरत हो गई, जो अलग हो गई। अच्छा, तो ये भी आप तो नाराज भी कर सकते हैं। तो भाई देखिए ना भाई, 8 साल में ऐसा क्या नाराज हो गए जो 70 साल में नहीं हो सका? 70 साल तो कांग्रेस के साथ ही दिया ना उन्होंने, फिर आज 8 साल में क्या प्रॉब्लम आ गया जी? तो उन्होंने भी अगर आएंगे तो हम भी हमारे नेताओं से बात करेंगे कि इनको भी लेना चाहिए, अगर वो सही में चाहते हैं कि भाजपा को हराना है तो हम भी हमारे नेतागण से बोलेंगे कि भाई ये जब भाजपा को हराना चाहते हैं तो इनको भी साथ में रखो। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आपके बड़े वरिष्ठ नेताओं को बोलकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी, जैसे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने खुद ऐलान किया था कि आप अगर हमको बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि प्यासा कुएं के पास, जैसे प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, आप लोग ही माने जाते, आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उनके पास से कोई आए, खासदार इम्तियाज जलील कहते हैं कि आपके पास से कोई आए, आप कहते हैं उनके पास से आए। हम हमारे नेताओं को बोलने वाले हैं कि एक बार आप बुलाओ उनको, अच्छा देखते हैं ना क्या होता है। सही, जैसे लास्ट टाइम बड़ी मीटिंग हुई, उसमें खासदार इम्तियाज जलील, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया नहीं गया। हम तो बोलने वाले हैं, अब इस बार रखेंगे। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना जो बोलना है, जो मेरा राइटिंग में मैं जो देने वाला हूँ, उसमें ये भी मुद्दा रखना होगा कि भाई MIM को बुला के बात करें, MIM से बात करें। BRS कैसा लगता है आपको? BRS पार्टी जो अभी आई है, आपको क्या लगता है कि औरंगाबाद में एक बड़ा पहाड़ खड़े करेगी? BRS की जो जड़े हैं
तेलंगाना में खुद खत्म होती जा रही हो, क्योंकि तेलंगाना इस बार पूरे कांग्रेस के कब्जे में आने वाला है, क्योंकि इसलिए वो उनसे बीआरएस का यहाँ पर कोई ऐसा हमको नहीं लगता कि ज़्यादा कोई ऐसा असर पड़ेगा, क्योंकि बीआरएस में भी आपस में भी ग्रुपिज्म चल रहे है, आप देख रहे हैं कौन किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे पर बात कर रहे है, तो आप सब समझ रहे हैं क्या है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल एक ऐसा है, अगर आपके साथ एमआईएम का गठबंधन होता है, सपोज अगर हो जाता है, फिर यहाँ उनके खासदार है, फिर आप जब जगह मांग रहे हैं वहां पर, शिवसेना मांगेगी जगह और कांग्रेस मांगेगी, एमआईएम मांगेगी, फिर क्या आप किसके साथ जाएंगे? अगर एमआईएम को जगह छूट गई तो क्या करेंगे आप? इसका निर्णय पूरा प्रदेश पे होगा और एआईसीसी इसका निर्णय करेंगे। अच्छा। वो जो निर्णय रहेगा हमको उसको मानना पड़ेगा। ओके, अब उसके हिसाब से हम अपना तैयारी काम तैयार। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप एशिया एक्सप्रेस से आपने बात की, जिस तरीके से यूसुफ लीडर साहब से हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि हम किसी तरह से बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आंकड़े इन्होंने बताए हैं कि जो आंकड़ों को लेकर खासदार एमपी का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको लेकर अगर देखा जाए, तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान से किसी न किसी तरह से बीजेपी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे यूसुफ लीडर साहब ने ये कहा कि अगर एमआईएम हो, वंचित हो, बीआरएस हो, तीनों पार्टियां हो या उसके अलावा दिगर जितनी पार्टियां हैं, अगर ये कांग्रेस साथ गठबंधन करने तैयार है तो कहते हैं कि हम वेलकम करेंगे, हम उनके साथ गठबंधन करने तैयार है। अब आने वाले वक्तों में, आने वाले समय में ये देखना है क्या राजनीति बनेगी, किस तरीके का समीकरण होगा, या किस तरीके से आने वाले वक्तों में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र हो या औरंगाबाद शहर हो जिस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। जैसे यूसुफ लीडर ने खास बात सबसे कही कि जो लोग इनके पास से गए हैं वो लोग गए नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, साथ में अभी इस लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस यहां पर मजबूत होगी। यूसुफ लीडर जो है यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं औरंगाबाद के, अब इनके अध्यक्षता में हमको देखना है कितना अभी तक कांग्रेस चली है, आने वाले वक्तों में कितना मजबूत होगी। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।